क्योंकि टीवी लगा हुआ है इन द फर्स्ट रूम, यहाँ पे बड़े बड़े सोफाज हैं, सो आप बैठ सकते हो अगर फैमिली के साथ हो, डिस्कशन कर सकते हो, चिल कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद आता है आपका द बेडरूम। सो मतलब आप देखो बाहर भी मतलब बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर आपको बेड बेड पे ही नहीं रहना, बेडरूम वाली फील से थोड़ा कुछ एक्सक्लूसिव करना है तो सही है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे दोस्तों, मैं समय आनंद कर रहा हूँ, दिल से दिल की बात। लेट्स गो फॉर दिस वर्चुअल जर्नी। साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं सिलीगुड़ी के एक बहुत ही अच्छे एंड प्रीमियम होटल के अंदर। आपने आई एम श्योर इस चेन का नाम तो सुना ही होगा, लेमन ट्री। काफ़ी बढ़िया है, मतलब हमने, मैं और मम्मी यहाँ पर आए हैं, एक डे आराम से स्पेंड किए। सिक्किम के बाद सिक्किम गए थे, गैंगटॉक गए थे, दार्जिलिंग, उसके बाद हमने कहा एक दिन सिलीगुड़ी भी बनता है। सो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। बहुत ही सुपर प्रॉपर्टी है। ब्रेकफास्ट बुफे हमने खाया है, वो वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। क्वालिटी ऑफ द रूम्स वाज वेरी नाइस। हम आपको इस वीडियो में अलग अलग कैटेगरी के रूम्स भी दिखाने वाले हैं, तो वो देख के भी आपको मज़ा आएगा कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो चलो वीडियो चालू करते हैं एंड लेमन ट्री में अपना स्टे एंजॉय करते हैं। आ चुके हैं लेमन ट्री में, मम्मी और मैं। बहुत लंबी जर्नी थी यार, डायरेक्ट ही दार्जिलिंग से यहाँ तक की ना, रोड्स बहुत छोटी हैं, गोल 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 गोल। तो अब आपको लेमन ट्री में हम बढ़िया बढ़िया रूम्स दिखाने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी के, एंड फिर अपने रूम में भी लेके जाने वाले हैं रूम की एरी। चलो पहले आपको अपना ही रूम दिखा देते हैं। ऐसी वाइब है ऑफ दिस प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम होटल्स में आता है ये लेमन ट्री। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार देखने में ना, एंड हमारा रूम भी अपग्रेडेड है। तो मम्मी, आर यू एक्साइटेड? या वेरी मच। लेमन ट्री आप इतने टाइम से बोल रहे थे कि आपकी फेवरेट वो है, आप पहले भी रुक चुके हैं। मैं पहले रुकी हुई हूं, तो इट्स अ वेरी नाइस चेंज, सो लेट्स सी यहां पर कैसे एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों मैं पहली बार लेमन ट्री पर रुका और रुकने वाला हूं, सो लेट्स सी। ये भी हमारे रूम आ गया है, तो चलो मम्मी को फोन पकड़ाते हैं। मैं चलता हूँ अंदर दोस्तों, एंड मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलो फॉलो दोस्तों, ये आ गया थोड़ा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने रूम की डाल दी है, गेट रेडी फॉर मैजिक। ये हम अंदर आ गए हैं, थैंक यू। दोस्तों रूम का साइज आप देखो काफ़ी बड़ा है, अपग्रेड इन्होंने करवा दिया, दो डबल बेड्स कर दिए। आज मैं और मम्मी एक दूसरे को लाते नहीं बारिश की ताकि सुन रहे। बाकी यूटिन सेट यहाँ फोन वगैरह है, टी वी वगैरह लगा हुआ है, इट्स प्रीटी नीट। अगर आप ऊपर नीचे व्यू बाहर का तो ओके, अभी तो यहाँ पर सारी चीज़ें आई थिंक दे आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, सो ठीक है। बाकी आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आराम से एडिट वगैरह कर सकते हो, यू कैन सिट हियर एडिट कर सकते हो। सामान में पहले अपने यहाँ रखूँ भाई, रख गया तो मैं। हाँ, एंड वेदर यहाँ पे मतलब सेंट्रली एयर कंडीशन है, यहाँ पे डार्जिलिंग जितनी ठंडी है। बाकी मैं मम्मी से फोन लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ये वेडर कैटल, टू ग्लासेस, टी बैग्स वगैरह आप ले सकते हो, कॉफ़ी वगैरह, चाय कॉफ़ी अगर आपको अच्छी लगती है पी सकते हो। टीवी लगा हुआ है, लगेज वगैरह रख सकते हो, देयर इज अ डस्टबिन, आई बिलीव देयर इज अ मिनी बार, ये फ्रिज है, एंड ओके देयर इज अ फ्रिज, आप सामान ला के रख सकते हो इसमें, दैट्स नाइस। उसके बाद दोस्तों ये देखो, ये आ गया हमारा लगेज, भाई ने हमारा लगेज रख दिया, थैंक यू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, योर बैग्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यू कैन सी योर लॉकर, लॉकर में आप सामान रख सकते हैं अपना। फ्रेंड्स अब आ गई है बारी वॉशरूम की, वॉशरूम देखो काफ़ी बड़ा है, नीट एंड क्लीन है यार। हेलो दैट्स मी, एंड ठीक है, वॉशरूम इज प्रिटी नाइस, ओके। ये आपकी बेथिंग एरिया है तो सही है, चार्जर वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सो इट्स नाइस यार, वाइब ऑफ द रूम एंड द प्लेस इज प्रिटी नाइस। मम्मी कैसी है वाइब? एंड बेस्ट पार्ट इज द फ्रेग्रेंस जो आ रही है ना, बाहर भी पूरा अपनी लॉबी वगैरह में भी एकदम रियली मतलब फ्रेग्रेंट है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है और बड़ा फ्रेश फील हो रही है। ऑल्दो हम टायर्ड है बट यहाँ आके बहुत पॉजिटिव और वाइब्रेंट और बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो अब हम आपको दिखाने लेके जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव रूम, कहते हैं कि काफी अच्छा रूम है इस प्रॉपर्टी में, तो आ जाइए।
आपको दिखा रहे थे, कम ऑन पीपल बी माय गेस्ट एंड वाओ ये भी काफी शानदार है, काफी स्पेशियस है यार। मेरे को बेस्ट चीज जो लेबोरेटरी की लगी ना, रूम काफी स्पेशियस है, ये भी मतलब आप एडजस्टेड होकर सो रहे हो या रुके हो, सो दिस इज आल्सो नाइस। सो सोफा मिल जाते हैं, बैठो बातें बातें करो, फूड लगाए, खाना वाना ऑर्डर कर सकते हो, इन रूम डाइनिंग आप यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे चेयर है, बैठो वीडियो एडिट करो, कुछ काम वो कर सकते हो, स्क्रीन वगैरह लगी है, केटल मिल जाती है, दो ग्लासेस होती है जैसे आपको हमारे रूम में दिखाऊँ। उसके बाद फ्रिज वही वैसे सेम फ्रिज ही है, एंड मतलब कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ओवरऑल सेम ही है, ये एक अपग्रेडेड रूम है, हमारे रूम भी अपग्रेडेड है। अच्छा यहाँ पे आपको पूरे रोड का व्यू आ जाता है, जो रोड है मेरे पीछे उसका व्यू आ जाता है, ये देखो यहाँ से ना पूरी इनकी सिलीगुड़ी की रोड दिख जाती है आपको। तो ठीक है, सामने खाने पीने के भी कुछ ऑप्शंस है, किचन वगैरह है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे शाम को। एंड चलो आओ और देखते हैं क्या है यहाँ पे। सेम आपको अलमीरा मिल जाती है, लॉन्ड्री बैग्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आप अपने गंदा सामान रख सकते हो, लॉकर मिल जाता है सेम सामान रखने के लिए जगह, एंड दिस इज अ वॉशरूम। वाओ अच्छा इसमें यू गेट अ टब, ये डिफरेंस है, हमारे वाले में टब नहीं है, यहाँ पे टब है। सो इसकी वाइब भी काफ़ी सही है यार दोस्तों, मतलब आप चाहो तो अपग्रेड करवा सकते हो इसके लिए, तो सही है यार। इस वाले रूम की भी फील मेरे को काफ़ी सही लगी, हमारा वाला रूम भी ठीक है ना, हमारा वाला भी पर डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें टब है। फ्रेंड्स ये देखो लॉबी भी कितनी सुंदर है यार इनकी, मतलब एंड आई एग्री विद मम्मी जो फ्रेगनेंस आ रही है ना, बाकी अभी काम वाम चल रहा है, थिंक यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही है। एंड ये देखो ओ तेरी सिलीगुड़ी, आ रहे हो तो इस प्रॉपर्टी में ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो रुकने का, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड पीछे कटकट हो रही है अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो फ्रेंड्स अब लेके जा रहे हैं आपको स्टूडियो सुइट में, ये भी बहुत ही अमेजिंग एंड डिलीशियस एक कैटेगरी है, कि डिलीशियसनेस नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लग रही है। सो ये देखो यहाँ पे भी टीवी लगा हुआ है इन द फर्स्ट रूम, यहाँ पे बड़े बड़े सोफाज हैं, सो आप बैठ सकते हो, अगर फैमिली के साथ हो डिस्कशन कर सकते हो, चिल कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद आता है आपका द बेडरूम, सो मतलब आप देखना बाहर भी मतलब बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर आपको बेड बेड पे ही रहना, बेडरूम वाली फील से थोड़ा कुछ एक्सक्लूसिव करना है तो सही है, जैसे स्टूडियो रूम टीवी वगैरह है, यहाँ पे आप बैठ बैठ सकते हो तो सही है, दिस इज नाइस। एंड हॉस्टल में सो दोस्तों वॉशरूम में देखो आप सेम ही है, टब वगैरह लगा हुआ है, एंड सेम फील है, मैं आपको दिखाता हूँ मम्मी से लेके। ये देखो ये रही यहाँ की फील, मतलब ठीक है ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हमारा वो था ना, हमारा रूम ऑलमोस्ट सेम है, बस टब का डिफरेंस है। तो मम्मी आपको तीनों में से कौन सा रूम अच्छा लगा? ज्यादा लोग है मतलब मोर देन टू थ्री पीपल। चलो चलते हैं अपने रूम में दोस्तों, थैंक यू बोलता हूँ मनोज को, मनोज लेके आया, मनोज ने हमें सारे रूम सिखाया, थैंक यू मनोज। हेलो फ्रेंड्स चलो आओ चलें फॉर ब्रेकफास्ट, सिट्रस इनका रेस्टोरेंट है एंड दिस इज द ब्रेकफास्ट एरिया, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है दिस प्लेस, द वाइब लुक्स प्रीटी नाइस, आप देख रहे हो, आओ देखें क्या है फॉर ब्रेकफास्ट।
सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, चीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना आप जब यहाँ हो रहा। मम्मी कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? वेरी नाइस, सो मच ऑफ वैरायटी, आई बिल्ड अप सो मच एपेटाइट, सो आई एम गोइंग टू रियली एंजॉय नाउ। तो हम जल्दी सो गए थे, हमने डिनर भी नहीं किया था, अब मज़ा आएगा ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट बुफे अब एंजॉय करने वाले हैं। ये हमारी कोल्ड कॉफी भी आ गई है। चीयर्स फ्रेंड्स, दिस इज द मैपल सिरप, ये दे गॉट दिस स्पेशली फॉर अस, थैंक यू। मैंने इतने होटल्स में ट्रैवल किया, इतनी जगहों पर मैंने ट्रैवल किया, बट द फूड हियर वाज नेक्स्ट लेवल, सुपर आउटस्टैंडिंग, सुपर अमेजिंग, स्पेशली द कैरेट की भाई साहब, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। मोमोज बहुत अच्छे थे एंड और आपको क्या चाहिए? एवरीथिंग यार, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस एंड द सर्विस इज आल्सो वेरी नाइस। आई हाईली रेकमेंड दिस प्लेस दोस्तों। तो बाहर भी बैठ सकते हैं यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ पे भी पूरी सिटिंग है, सिट्रस का कैफे है, दिस इज प्रीटी नाइस यार। वी हैव द मैनेजर हियर ऑफ लेमन ट्री सिलीगुड़ी, क्या असिस्ट किया है सर आपने, बहुत ही मज़ा आया है, द फूड, द स्टाफ, द सर्विस इज वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। फ्रेंड्स इनका जिम है, आप चाहो तो आगे यहाँ पे जिम वगैरह भी इनका यूज़ कर सकते हो। सही है, दिस इज नाइस, वेरी डिसेंट। फ्रेंड्स जेन का रेस्टोरेंट है अमीलो एंड आप ये देखो वाइब, देखो ओपन रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे भी आगे चिल विल कर सकते हो। वाइब इज प्रीटी प्रीटी डिसेंट एंड नाइस, फूड बहुत आउटस्टैंडिंग है यार यहाँ का, खाना वगैरह भी तो देखो खाली है पूरा, अब देखो ऐसी वाइब है, बार वगैरह भी है, पूरा आपको सिलीगुड़ी यहाँ से दिख जाता है, अब देखो बोरी मम्मी हरे आओ। यहाँ से वाइब देखो दोस्तों, तो दोस्तों निकल रहे हैं हम, जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा, बट द स्टे एंड एवरीथिंग वाज आउटस्टैंडिंग, सुपर स्टाफ, वैल्यू फॉर मनी है यार, आप भी यहाँ जरूर रुकना है एक दिन को।